एक औरत होती है जिसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही होती है, तो वो जो है ना अफेयर कर लेती है एक 22 साल के लड़के के साथ। मूवी का नाम मैं आपको आगे बता ही दूंगा, लेकिन वो जो अफेयर है क्या वो चल पाएगा या नहीं, ये मूवी का प्लॉट रहेगा। तो एक औरत है जिसका नाम है जस्टिन, वो एक रिटेल रेडियो नाम के स्टोर में काम करती है, जहाँ पे उसके एक दोस्त है जिसका नाम है ग्वेन, वो 60 साल की है और वो अपनी जिंदगी में ज़्यादा खुश नहीं है, यहाँ पर काम करके भी खुश नहीं है। लेकिन जो ग्वेन है वो वहाँ की हेड है, और वहाँ पर लड़का है जिसका नाम है कॉर्नी। कॉर्नी जो है वहाँ का बिल वगैरह पे करता है। तो जब वो घर पर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे जो है उसका जो हस्बैंड है वो मारी चुने के नशा वशा करता रहता है, और उसके हस्बैंड का एक दोस्त है जिसका नाम होता है बब्बा, जहाँ पे जस्टिन उसे कहती है कि अगर तुम इतनी शराब और नशा करोगे तो तुम्हारे बाप बनने की शक्ति खत्म हो जाएगी, मतलब तुम्हारा स्पर्म काउंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अगले दिन वो जो है एक लड़के को नोटिस करती है जिसका नाम होता है होल्डन, वो वहाँ का नया कैशियर होता है। तो जस्टिन को काफ़ी सही लगता है देखने में, मतलब ठीक है, तो जस्टिन की तो थोड़ी अट्रैक्ट होती है और वो उससे बात करने जाती है। जहाँ पे होल्डन एक राइटर है लेकिन वो डिप्रेस है, वो 22 साल का, उसके माँ बाप की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन वो राइटिंग करता है, उसे किताब विताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो वो पूरी कहानी जो है जस्टिन को बताता है। ऐसे जस्टिन वहाँ बैठी हुई होती है बाहर जहाँ पे होल्डन होता है, तो ग्वेन कहती है कल से तुम कॉस्मेटिक के काम पे लग जाना तो तुम्हारा प्रमोशन होगी एक तरह से। फिर इसके बाद जो है होल्डन जब जहाँ पे लंच करा होता है वहाँ पे जस्टिन जाती है, और जस्टिन जाके बोलती है होल्डन से कि तुम्हारे होठ बिल्कुल लड़की हो जैसे और तुम्हारी आंखें बहुत डिप्रेस है, क्या तुम परेशान हो? तो बोलता है हाँ मैं काफ़ी परेशान हूँ मैं। तो वो कहती है वजह क्या है? तो वो कहता है कुछ भी नहीं। तो वो उसकी एज पूछती है, वो बोलता है 22 साल, और वो बताती है कि मैं हूँ 30 साल की। और फिर वो कहती थी कि तुम मेरी रिस्पेक्ट कर करो, मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ। इसके बाद दोनों हंसते हैं। फिर जस्टिन जो है होल्डन को उसके घर तक लिफ्ट देती है, और लिफ्ट देने के बाद होल्डन जो कहता है कि आओ घर में आ जाओ। तो फिर वो उसके घर में जाता है, और घर पे उसके माँ बाप को उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है उसकी, होल्डन के मतलब कि वो क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। और जस्टिन कहती है कि मेरे हस्बैंड और मेरी शादी को 7 साल हो गए, लेकिन हमारे बीच भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाते, कुछ है नहीं हमारे बीच में ज़्यादा। फिर इसके बाद जस्टिन जो है होल्डन के बारे में सोच रही होती है, फिर होल्डन उसे मिलता है और कहता है कि तुम आज भी प्लीज़ मुझे घर पर छोड़ दोगे? तो बोलता है कि हाँ छोड़ दूंगी। और फिर वो उसके बाद जाती है बब्बा के पास, बब्बा कहता है कि भाई फिर तो बहुत लकी है, तेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काश मेरी बीवी होती। बब्बा जो है सिंगल है, लेकिन फिर होल्डन बोलता है कि तुम मुझे आज भी घर पे छोड़ दोगी? तो जस्टिन जो है उसे घर पर लेके जाती है, जहाँ पे होल्डन जो है उसे करीब आने की कोशिश करता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन कहती है कि नहीं मैं शादीशुदा हूँ और ये करना सही नहीं रहेगा। तो बुरा मान के होल्डन वहाँ से चला जाता है, उसे अपने घर में चला जाता है। फिर इसके बाद जो है जस्टिन भी सोचते हैं कि हाँ, और उसका जो पति बोलता है कि मुझे अपना टेस्ट करवाना चाहिए, शायद वहाँ के पापा नहीं बताते कि मैं नशा बहुत कर रहा है। तो बोलती है कि जाओ के बाद अपना टेस्ट, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो है कॉर्नी आता है, वो उसे एक लेटर देता है, लेटर पे होल्डन ने भेजा होता है, होल्डन अपनी बहुत सारी फीलिंग्स लिखता है उसके ऊपर, और बोलता है कि अगर कल तुम मुझे 5 बजे नहीं मिलोगी तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, आई प्रॉमिस। तो इसके बाद लेटर पढ़ने के तुरंत बाद ही जो है ग्वेन जो होती है उनको उल्टी वगैरह होती है, तो इस वजह से वो उनको हॉस्पिटल ले जा रही होती है, जस्टिन जो 60 साल की ग्वेन थी जो मैंने आपको बताया था, और वो उनको एडमिट करवा देती है। और फिर जस्टिन जो है होल्डन से मिलने जाती है, क्योंकि उसने कहा था तुम 5 बजे नहीं मिलोगी तो मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी, इस वजह से डर के मारे जो है उससे मिलने जाती है उनको हॉस्पिटल छोड़ने के बाद। और फिर वो दोनों एक कमरा बुक करते हैं, और फिर उन दोनों का जो सीन शुरू होता है, मतलब हर जगह, फिर स्टोर रूम में, रूम में, एक रात को उन्होंने अय्याशी अड्डा बना लिया था इस होटल का, वो दोनों बहुत सीन करते हैं। लेकिन उन्हें जस्टिन को फिक्र होती है कि मतलब ये सही नहीं है। तो फिर एक दिन उसे अपने हस्बैंड की गाड़ी उसी होटल के बाहर खड़ी मिलती है, तो जस्टिन उससे कहते हैं कि तुम हमें ये नहीं करना चाहिए, जिस दिन हम पकड़ेगा उस दिन बहुत गड़बड़ हो जाएगी। संभाल लूंगा। फिर अब जस्टिन हॉस्पिटल में ग्वेन से मिलने नहीं आके बताता है कि ग्वेन की जो है डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद जस्टिन बहुत परेशान हो जाती है, और फिर जस्टिन होल्डन से कहती है कि कुछ करोगे, मतलब हमें ये बंद कर देना चाहिए, लेकिन बब्बू से इशारों में कहता है कि मुझे पता चल चुका है कल तुम होटल में किस लड़के के साथ थी। ये सोचने के बाद वो बहुत डर जाती है जस्टिन, और अपने हस्बैंड फिर से बोलती है, और उसके पास जाती है होल्डन से बोलती है कि हमें बंद कर देना चाहिए क्योंकि बब्बा ने हमें पकड़े। होल्डन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बब्बा से। फिर इसके बाद बब्बू से अपने घर पर बुलाता है, बब्बा कहता है या तो मेरे साथ सो जाऊँ और मरना मुझे सब कुछ बता दूंगा। तो वो के साथ कर रही होती है सीन, ये होते हुए होल्डन देख लेता है। होल्डन बहुत ही रोथ रूसी शक्ल बना के जस्टिन से कहता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम कितने लड़कों के साथ सो चुकी? तो वह कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बब्बू को पता था उससे, मैंने हमें बचाने के लिए किया है। फिर जस्टिन होल्डन के घर पे जाती है, जहाँ पे उसके माँ बाप के माँ बाप को बताती है कि उसकी मेंटली हालत सही नहीं है, प्लीज़ उस पर ध्यान दो। लेकिन उसके माँ बाप को उससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, कहती है वो ऐसे ही पागल है वो। फिर जस्टिन के पेट में दर्द हो रहा होता है, तो वो अपने जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो प्रेगनेंट है। तो वो खुश हो जाता है उसका हस्बैंड, वो कहता है कि मैं तो बाप बन नहीं सकता था लेकिन मैं बन गया हूँ। तो मतलब फिर उनके स्टोर में चोरी हुई हुई होती है, जहाँ पर लड़की बताती है कि होल्डन ने कल $15,000 चुरा लिए हैं। फिर जहाँ पर कहानी पता चलती है, एकदम होल्डन जो है जस्टिन को इशारा करता है, कहता है कि मेरे पास आओ, और बोलता है कि मैंने पैर चुरा लिए, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद वो अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसे फोन आता है, पता चलता है कि वो कभी पाप नहीं बनता था, उसकी रिपोर्ट की टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। तो वो कहता है कि बेबी किसका है, वो थोड़ा डाउट में आता है। लेकिन फिर जस्टिन जल्दी से वहाँ पर जाती है, अपने मैनेजर को बता देती है कि होल्डन ने ही सब चुराया था। फिर होल्डन जो है सुसाइड कर लेता है, आपको गोली मार लेता है, और फिर बब्बा उसे कहता है कि फील्ड को पता चल चुका है क्योंकि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड
का क्रेडिट कार्ड का जो बिल था वो उसे पता लग चुका है। तो फिर फिल और उनके बारे में बात होती है, वो बताती है कि हाँ मेरा अफेयर था 20 साल के लड़के के साथ, लेकिन ये जो बेबी है ये तुम्हारा ही है, तो प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। लेकिन जस्टिन ये नहीं बताती कि उसका अफेयर किसके साथ था, लेकिन खैर कहानी से हमें आगे बढ़ती है जहाँ पर उसका बेबी दुनिया में आ चुका है और फिर वो दोनों काफ़ी खुशी के साथ रह रहे होते हैं। फिर ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मूवी का नाम था गुड गर्ल 2002 में रिलीज हुई थी। और अगर तुम्हें कुछ और भी देखना है तो ये वाली वीडियो भी देख लो। ये जो स्क्रीन पर आपके शो हो रही है ये वीडियो भी जो है अफेयर टाइप की थी। ये फिल्में काफ़ी ठीक ठाक थी, मतलब अफेयर पर बेस्ट थी, तो हाँ ये भी देखना अगर अच्छी लगी होती वाली।